Welcome back to this video tutorial from Biophilic, and today we will discussing about transcription. Okay? पिछले वीडियो में हम लोगों ने रेप्लिकेशन के बारे में कंप्लीट डिस्कस किया था, उम्मीद है आपको समझ भी आया होगा. ठीक है, तो इस बार हम लोग ट्रांसक्रिप्शन के बारे में देखेंगे. क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन? रेप्लिकेशन में क्या हमने देखा था कि डीएनए से जब डीएनए की कॉपी बनानी होती है हमें, तो क्या हम लोग रेप्लिकेशन का यूज करते हैं. और जब ट्रांसक्रिप्शन में जब डीएनए से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आरएनए में ट्रांसफर हो रही होती है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन. ठीक है, जिस तरह से रेप्लिकेशन के भी कुछ फंडामेंटल रूल्स थे, ट्रांसक्रिप्शन के भी कुछ फंडामेंटल रूल्स होंगे. ठीक है, तो हमको उनके रूल्स पहले देखने होंगे जिससे हमें प्रोसेस पढ़ने में आसानी हो जाएगी. तो फर्स्ट क्या है कि जो ट्रांसक्रिप्शन होता है, अच्छा रेप्लिकेशन भी एक स्पेसिफिक साइट से स्टार्ट हो रहा था. कौन सी थी वो? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. ठीक है, और ट्रांसक्रिप्शन की भी एक स्पेसिफिक साइट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रमोटर. क्या बोलते हैं? प्रमोटर. मतलब ट्रांसक्रिप्शन भी एक स्पेसिफिक साइट से ही स्टार्ट होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रमोटर. ठीक है, दूसरा रेप्लिकेशन की प्रोसेस 5' to 3' डायरेक्शन में चल रही थी, और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस भी क्या 5' to 3' डायरेक्शन में चलेगी ऑन द टेम्पलेट 3' to 5'. मतलब जो 3' to 5' वाला जो टेम्पलेट होगा, उस टेम्पलेट के ऊपर 5' to 3' डायरेक्शन पे ये चलेगी. ठीक है, थर्ड देखो, डीएनए में जब डीएनए था, डीएनए से जब डीएनए हम लोग बना रहे थे, तो क्या होता है कि दोनों के दोनों ही स्ट्रैंड्स एज अ टेम्पलेट वर्क करते हैं, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में ओनली वन स्ट्रैंड वर्क एज अ टेम्पलेट. ठीक है, मतलब केवल एक ही स्ट्रैंड होगा जो कि टेम्पलेट की तरह वर्क कर रहा होगा. क्यों? दोनों स्ट्रैंड क्यों नहीं वर्क कर रहे होंगे? ठीक है, अगर दोनों स्ट्रैंड से आरएनए फॉर्म हो गए तो कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ जाएंगी. ठीक है, जिसकी वजह से आरएनए को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा. इसलिए केवल एक ही स्ट्रैंड जो होता है वो एज अ टेम्पलेट वर्क करता है. ठीक है, फोर्थ के बारे में देखें तो इस प्रोसेस को जो कैटलाइज करता है, जो एंजाइम, वो क्या होता है? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज. ठीक है, रेप्लिकेशन को कौन कर रहा था? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज. और ट्रांसक्रिप्शन को कौन कैटलाइज करेगा? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज. ठीक है, देखो हमने रेप्लिकेशन भी प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में पढ़ना है, ट्रांसक्रिप्शन भी हमने क्या प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में पढ़ना है, तो हमें आरएनए पॉलीमरेज के बारे में भी, यूकैरियोट्स के बारे में भी पढ़ना है और प्रोकैरियोट्स के बारे में भी पढ़ना है. ठीक है, तो जो प्रोकैरियोट्स होती हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, ठीक है, प्रोकैरियोट्स में केवल एक सिंगल आरएनए पॉलीमरेज होता है जो कि सभी टाइप के आरएनए को फॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. लेकिन जो यूकैरियोट्स हैं, उसमें तीन डिफरेंट टाइप्स के आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट होते हैं. किसके लिए? अलग अलग आरएनए को फॉर्म करने के लिए. जैसे देखो, तीन टाइप के आरएनए आप लोगों ने पढ़े हैं, कौन कौन से? आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए. ठीक है, आरआरएनए मींस राइबोसोमल आरएनए, एमआरएनए मींस मैसेंजर आरएनए और टीआरएनए मींस ट्रांसफर आरएनए. ओके, देखो यूकैरियोट्स में मैंने कहा तीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज वर्क करते हैं, आरएनए पॉल फर्स्ट, आरएनए पॉल सेकेंड और पॉलीमरेज थर्ड. ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड. जो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होता है वो सिंथेसाइज करता है आरआरएनए को, और जो आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड होता है वो सिंथेसाइज करता है एमआरएनए को, और जो थर्ड होता है वो सिंथेसाइज करता है किसको? टीआरएनए को. ओके,
अगर हम लोग प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन की बात कर रहे हैं, किसकी? प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन की, ठीक है? तो उसमें क्या है कि अभी यूकैरियोट्स का देखा था कि कौन सा आरएनए बनाता है, कौन सा एमआरएनए बनाता है। प्रोकैरियोट्स में मैंने कहा कि केवल एक सिंगल आरएनए पॉलीमरेज होता है जो वर्क करता है, ठीक है, तीनों को बनाता है, ठीक है। इस आरएनए पॉलीमरेज की पॉलीमरेज क्या पॉलीमराइजेशन करेगा, यही आरएनए की चेन बनाएगा। तो इस पॉलीमरेज की सिक्स सब यूनिट्स होती हैं। क्या होती हैं? सिक्स सब यूनिट्स होती हैं। देखो कौन कौन सी, टू अल्फा सब यूनिट्स होती हैं, बीटा, बीटा डैश, ओमेगा, और एक और होती है उससे पहले, चलो सिग्मा सब यूनिट, ठीक है। देखो इन पांचों को मिला करके बोलते हैं हम लोग कोर एंजाइम, क्या बोलते हैं, या फिर कोर फैक्टर्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो जब कोर सब यूनिट्स भी बोल सकते हैं, कोर सब यूनिट्स और सिग्मा सब यूनिट्स को मिला करके हम लोग बोलते हैं हॉलो एंजाइम, क्या बोलते हैं, हॉलो एंजाइम। कोर फैक्टर का फंक्शन क्या होता है? कोर फैक्टर का फंक्शन होता है कि ये आरएनए पॉलीमरेज की सब यूनिट्स हैं, यही क्या करेंगी, थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम और फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम। देखो इसमें एक होगा जो कि प्रमोटर रीजन होगा, हम लोगों ने भी बताया था मैंने कि प्रमोटर रीजन जो होता है वो रीजन होता है जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है, ठीक है। और ये कोर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करने में, लेकिन सबसे बड़ा रोल होता है सिग्मा सब यूनिट्स का, क्योंकि सिग्मा सब यूनिट प्रमोटर को एग्जैक्टली डिटेक्ट करती है, ठीक है। अगर कोर फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज के जो कि सब यूनिट है, ये आकर के अगर इस डीएनए पे कहीं भी किसी भी जगह पर बाइंड हो जाएंगे तो ट्रांसक्रिप्शन जो होगा वो स्पेसिफिक नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर ये बाइंड हो गए तो ट्रांसक्रिप्शन स्पेसिफिक नहीं होगा, नॉन स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन होगा। लेकिन अगर सिग्मा सब यूनिट है तो वो प्रमोटर रीजन को डिटेक्ट करके उस पर बाइंड होगा और तब ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगा, और उसको बोलेंगे हम लोग स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन, और वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मेन जो इनिशिएशन का वर्क करता है, जो ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन करता है, वो कौन करता है? सिग्मा सब यूनिट करती है, सब यूनिट, ठीक है। तो ये पांच चारों छह को मिलाकर के हम लोग क्या बोलते हैं? हॉलो एंजाइम, जो कि जिसमें से सिग्मा फैक्टर जो होता है वो प्रमोटर पे आकर के बाइंड होता है, और जो कि आरएनए पॉलीमरेज की ही एक सब यूनिट है, ठीक है। और जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज की जो सिग्मा सब यूनिट है वो प्रमोटर रीजन से बाइंड होगी, इनिशिएशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, ये तो हो गए आपके कंप्लीट रूल। देखिए अब थोड़ा सा यूकैरियोट्स के बारे में भी कुछ बताना है मुझे। देखो मैंने बताया था कि यूकैरियोट्स में, इसको थोड़ा सा अलग करना है, यूकैरियोट्स में मैंने बताया क्या कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए होते हैं, आरएनए पॉल फर्स्ट, आरएनए पॉल सेकंड और थर्ड भी, ठीक है। देखो जो फर्स्ट होता है इसकी जो लोकेशन होती है वो क्या होती है? न्यूक्लियोलस। क्या होती है? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस आप लोग जानते हैं ये राइबोसोम के सिंथेसिस में वर्क करता है। आरएनए पॉलीमरेज जो सेकंड होता है इसकी लोकेशन क्या होती है? न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या होती है? न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसकी भी लोकेशन क्या होती है? न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। देखो जो न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस का में जो होता है, जो आरएनए पॉल फर्स्ट, ये किसकी सिंथेसिस करता है? हमें पता है आर आरएनए की सिंथेसिस करता है। किसकी? आर आरएनए की। और आर आरएनए की जो सब यूनिट्स होती है वो कौन कौन सी होती है? 20 एस आर आरएनए, 5.8 आर आरएनए एस और 1.18 एस आर आरएनए, ठीक है। देखो आरएनए पॉल सेकंड किसको सिंथेसाइज करता है? एम आरएनए की सिंथेसिस करता है। और जो थर्ड होता है ये किसकी सिंथेसिस करता है? टी आरएनए की सिंथेसिस करता है, लेकिन इसके अलावा भी वो आर कई आरएनए की सिंथेसिस करता है, लाइक
small cytoplasmic RNA, small nuclear RNA और एक RNA का exception होता है जो कि होता है 5SRRNA। इसको भी ये polymerase, RNA polymerase जो third होता है यही सिंथेसाइज करता है। ओके तो अब हम लोग क्या स्टेप की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन तीन स्टेप में डिवाइड है, फर्स्ट इनिशिएशन, फिर इलोंगेशन और तीसरा टर्मिनेशन। ठीक है, देखो पहले हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, इनिशिएशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो इनिशिएशन में क्या हो रहा है, देखो थोड़ा सा डीएनए फॉर्म करना है हमको, ये देखिए ये 3'2 5' और ये 5'2 3'। देखो इन मैंने कहा था कि इनमें से कोई एक स्ट्रैंड होगा जो कि एज अ टेम्पलेट वर्क करेगा, तो जो दूसरा स्ट्रैंड होगा वो नॉन टेम्पलेट होगा, समझ रहे ना। तो हमने माना है कि 3'2 5' वाला जो डायरेक्शन में है इसको हम लोगों ने क्या मान लिया, टेम्पलेट स्ट्रैंड है ये। दूसरा जो स्ट्रैंड हो गया वो क्या हो गया आपका, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, अब देखो इनमें से क्या होगा, प्रमोटर ये रीजन है, इसी प्रमोटर रीजन पे किसको बाइंड होना है, यहां करके आरएनए पॉलीमरेज को आके बाइंड होना है। और जैसे ही इस पे जो सिग्मा सब यूनिट होगी, सिग्मा सब यूनिट फर्स्टली आकर के प्रमोटर रीजन को डिटेक्ट करेगा, जिसकी वजह से जो आपका आरएनए पॉलीमरेज होगा वो आकर के यहां पर बाइंड हो जाएगा। ठीक है, मेन जो इसका यूनिट है वो क्या है, सिग्मा सब यूनिट। ठीक है, सिग्मा सब यूनिट आके प्रमोटर से बाइंड हो जाएगी। ठीक, अब देखो ये तो हो गया आपका, जैसे ही ये बाइंड हुआ तुरंत ही क्या होगा, ये आरएनए पॉलीमरेज थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ने लगेगा। तो जैसे ही वो 10 से 15 न्यूक्लियोटाइड फॉर्म कर लेता है, 10 से 15 न्यूक्लियोटाइड की पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बना लेता है, तो क्या होता है, एक प्रोसेस होती है या फिर कह सकते हैं एक फिनोमिना हो सकती है जिसको हम लोग प्रमोटर क्लियरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रमोटर क्लियरेंस बोलते हैं। तो वो प्रमोटर क्लियरेंस क्या होता है कि जैसे ही ये आगे बढ़ेगा प्रमोटर पीछे छूट जाएगा, तो जब तक कुछ न्यूक्लियोटाइड्स फॉर्म नहीं हो जाए, ये पक्का नहीं हो जाता है ना कि आयरन पॉलीमरेज फाइनल तक जाएगा, ये एबल है या नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता कि एबल नहीं है तो पूरी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगी, इसीलिए इसका पहले ही टेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, क्या प्रमोटर क्लियरेंस तक अगर ये रहता है उसी जगह पे तो ये वर्क करेगा, अदरवाइज उस प्रोसेस को वहीं पर बंद कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसका बाइंड होना और कुछ दूरी तक जाना और थोड़े से मतलब मान लो 10-15 न्यूक्लियोटाइड फॉर्म कर लिए, ठीक है, ये तब तक इनिशिएशन की प्रोसेस होती है। ठीक है, जैसे ही प्रमोटर क्लियरेंस हुआ, प्रमोटर क्लियरेंस हुआ, वैसे ही क्या होगा, आपका इलोंगेशन फेज स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगी आपकी, इलोंगेशन। जैसे ही देखिए, ये आपका प्रमोटर रीजन था, इस प्रमोटर रीजन को छोड़ करके ये आपका आरएनए पॉल थोड़ा सा आगे बढ़ गया। ठीक है, ये न्यूक्लियोटाइड आपका ये 5' जो है दिख रहा है, लेकिन जैसे ही वो जैसे ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ये इलोंगेशन फेज में जाता है, क्या होता है कि आपका सिग्मा सब यूनिट फ्री हो जाता है। क्यों फ्री हो जाता है भैया, सिग्मा सब यूनिट का काम क्या था, सिर्फ प्रमोटर को डिटेक्ट करना, प्रमोटर को इसने डिटेक्ट कर लिया, इसका काम फिनिश हो गया। और जैसे इसका काम खत्म हो गया ये क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा और ये अपना जो आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज है, ये क्या करेगा, पॉलीमराइजेशन स्टार्ट रखेगा। ठीक है, इलोंगेशन फेज में न्यूक्लियोटाइड फॉर्म होते रहते हैं और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है,
फिर ये आगे बढ़ेगा और मोर पॉलीलेटरल टाइप चेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। यही फेज क्या है, इलॉन्गेशन फेज। देखो टर्मिनेशन फेज पे जाने के लिए क्या होता है, देखिए टर्मिनेशन में क्या होता है, गुलाब कर दिया कोई बात नहीं। देखो थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम और ये आपका हो गया फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम। और याद रखना है कि हमने थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम का एज अ टेम्पलेट यूज किया है और हमारा जो स्ट्रैंड बनना है आरएनए का वो बनेगा फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये है आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड जो कि हमने यूज किया। अब देखो प्रमोटर पीछे छूट गया आपका, आरएनए पॉलीमरेज आपका टर्मिनेशन पे है। ठीक है, अब देखो टर्मिनेशन होगा कैसे, एक्चुअली मान लो ये फाइव प्राइम बन गया, ठीक आपका टर्मिनेशन रीजन आने वाला है, आ गया है। अब टर्मिनेशन होगा कैसे, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड की जो चेन है वो टूटेगी कैसे, वो कैसे टूटेगी, जैसे ही एक सीक्वेंस होगा उसको टस सीक्वेंस बोलते हैं और ये टस साइड पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस जैसे ही कोड होकर के मान लो इस पे आ गया, ये सीक्वेंस है कोई और वो इस चेन में आ गया और जैसे ही ये चेन में आएगा एक फैक्टर होता है रो फैक्टर, क्या होता है रो फैक्टर, इसको टर्मिनेटर फैक्टर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं टर्मिनेटर फैक्टर भी बोलते हैं। और ये फैक्टर आ करके इस साइड पे आकर के बाइंड हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही रो फैक्टर आने पॉल से बाइंड हुआ ये जो चेन होगी उसका पॉलीमराइजेशन रुक जाएगा और ये चेन ब्रेक होके आ जाएगी। तो ये फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम डायरेक्शन में हमें ये स्ट्रैंड मिला, इसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। क्या बोलेंगे, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। मैंने बताया था ये डायरेक्ट एमआरएनए को फॉर्म नहीं करता, किसको फॉर्म करता है पहले एचएनआरएनए को, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। क्यों, क्योंकि इसमें कुछ नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इन नॉन कोडिंग सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलते हैं इंट्रॉन्स, क्या बोलते हैं इंट्रॉन्स, और इसको बोलते हैं हम लोग एक्सॉन। देखो जो ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस होती है वो प्रोसेस होती है कहां पे, न्यूक्लियस में। रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस होती है वो भी न्यूक्लियस में होती है, लेकिन ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस होती है वो होती है आपकी साइटोप्लाज्म। किसमें, साइटोप्लाज्म में। तो जैसे ही आरएनए का फॉर्मेशन हो जाता है न्यूक्लियस में तो जो एमआरएनए होता है उसको साइटोप्लाज्म में भेजा जाता है। क्यों, क्योंकि ट्रांसलेशन कहां होगा साइटोप्लाज्म में। लेकिन ये केवल यूकैरियोटिक के केस में होगा, ऐसा क्यों, क्योंकि आप लोग जानते हैं प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस की कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, मतलब कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, तो उनका क्या होगा साइटोप्लाज्म जो होगा वही सब कुछ होगा, उसी के अंदर इनका डीएनए मटेरियल भी पड़ा हुआ होगा। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो क्या होगा, जो ये एमआरएनए होगा वो साइटोप्लाज्म में होगा, ट्रांसक्रिप्शन भी साइटोप्लाज्म में होगी, ट्रांसलेशन भी साइटोप्लाज्म में ही होगा। तो यहां पर कोई न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाने का कोई रोल नहीं है। ठीक है, इन द प्रोकैरियोट्स, क्योंकि हम लोग प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं, तो यहां पर क्या होता है, ये जो हमने बात करी है एचएनआरएनए की, ये इन द यूकैरियोट्स होता है। ठीक है, अभी इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रोकैरियोट्स में क्या होता है कि जैसे ही ये फाइव प्राइम एंड अपीयर हुआ, जैसे ही ये फाइव प्राइम एंड अपीयर हुआ, यहीं से क्या होता है राइबोसोम आकर के बाइंड हो जाते हैं और यहां पर ट्रांसलेशन शुरू हो जाता है। ट्रांसलेशन शुरू हो जाता है क्योंकि प्रोकैरियोट्स में ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन की एक ही साइट है, तो जैसे ही फाइव प्राइम एंड अपीयर हुआ ट्रांसलेशन के जितने भी ट्रांसलेशनल फैक्टर्स थे वो एक्टिवेट हो गए और राइबोसोम आकर के इस पर बाइंड हो गए, जिससे ट्रांसलेशन शुरू हो गया और ट्रांसलेशन हो जाता है। लेकिन यूकैरियोट्स में क्या, मैंने बताया कि यूकैरियोट्स में पहले क्या बनता है एचएनआरएनए बनता है और फिर इसका
मॉडिफिकेशन होता है। क्या होता है? मॉडिफिकेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। क्या बोलते हैं? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। ठीक है, अब देखो इस पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में होता क्या है कि जो अभी मैंने बताया कि कुछ नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस भी होते हैं जिनको हम लोग इंट्रॉन्स बोलते हैं, इन इंट्रॉन्स को रिमूव कर दिया जाता है, और जैसे रिमूव कर दिया जाता है जो एग्जॉन्स होते हैं इन एग्जॉन्स को लाइगेज एंजाइम के थ्रू बाइंड कर दिया जाता है, और इसके बाद ये बन गया क्या आपका mRNA इन द प्रोकैरियोट्स, सॉरी यूकैरियोट्स, और ये क्या किया जाते हैं फिर इसके बाद न्यूक्लियस से बाहर आपके साइटोप्लाज्म में फ्री हो जाते हैं। समझ में आया? हमने क्या पढ़ा? ट्रांसलेशन, पहले उसके रूल्स पढ़े कि कौन के पहले वो किस साइट पे होता है, ठीक है, उसके बाद हमने पूरी प्रोसेस पढ़ ली, इनिशिएशन, इलोंगेशन, फिर टर्मिनेशन भी पढ़ लिया। टर्मिनेशन में मैंने बताया कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की साइट जो है वो सिमिलर होती है, जिसकी वजह से जैसे ही 5' एंड अपीयर हुआ राइबोसोम करके बाइंड हो जाते हैं और क्या होने लगता है उनका ट्रांसलेशन वही शुरू हो जाता है, ठीक है। लेकिन इन द यूकैरियोट्स क्या होता है, पहले जो बनता है आरएनए वो एचएनआरएनए बनता है, हेटरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इसका पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होता है और उसमें से जो इंट्रॉन्स जो कि नॉन कोडिंग होते हैं उनको रिमूव करके एमआरएनए फॉर्म किया जाता है। कैसे? जो एग्जॉन्स, एग्जॉन्स यही कोडिंग सीक्वेंस है, इन एग्जॉन्स को क्या किया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा और आपका एमआरएनए फॉर्म हो गया। ओके, तो ट्रांसक्रिप्शन आपका यहां पर फिनिश हो गया, उम्मीद है आपको समझ भी आया होगा, ठीक है। तो ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।